फागुन मास, होली का त्योहार और भारतीय संगीत, इनका एक विशेष संबंध है। होली में रंग है, उमंग है, उत्साह है, संगीत में भी रंग है, रस है। अपना संगीत, चाहे लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, होली का त्योहार एक विशेष महत्व रखता है। अपने यहाँ कुछ ऐसे गीत प्रकार हैं, कुछ खास ऐसे राग हैं जिनका संबंध सीधा होली से है। जब कलाकार अपने सुरों की पिचकारी लिए हुए, अपना रंग लिए श्रोता के सामने आता है, तो श्रोता उसी में रंग जाता है। ऐसे ही दो समस्त कलाकार आज यहाँ पधारे हैं, श्रीमती शोभा गुरटू और पंडित दिनकर कैकिनी। पंडित जी, आपके गायन में तो रंग है ही, आजकल उस पर वातावरण का भी रंग चढ़ा हुआ है, तो कोई ऐसे मिलन करती हुई धमार की बंदिश सुनाई। Hey.
कैसे खिलाड़ी। अभी हमने शोभा जी से एक होरी सुनी, पंडित जी से एक धमार सुना। पंडित जी जी, ये जो गायन की अलग अलग शैलियां हैं, धमार, ख्याल, होरी, इनमें होरी का ही वर्णन होता है, लेकिन क्या फर्क है, कुछ अगर आप प्रकाश डालें इस पे तो। फर्क यही है कि होली का त्यौहार जो है वो रंगों का त्यौहार कहलाता है। बिल्कुल। और संगीतकारों ने इसके दो रूप दिए हैं, एक होली गीत कहते हैं और दूसरा है शास्त्रीय संगीत। अभी जो सुना भोपाली में जी, वो है उसका शास्त्रीय रूप, और होली का अपभ्रंश होरी हुआ है। होली गीत होते हैं और होरी धमार होता है। तो होली गीत अभी जो शोभा जी ने गाया था उसको कहते हैं होली गीत, और मैंने जो अभी सुनाया उसको धमार कहते हैं। धमार ताल में है, राग में होता है, और उसके कुछ नियम हैं, दुगुन है, तिगुन है, तिहाइयां है, ये सब होता है, इसलिए उसको शास्त्रीय रूप कहते हैं। लेकिन कोई ऐसे खास राग हैं जिनमें होरियां होती और धमार नहीं होते, या जिसमें धमार होते हैं और होरियां नहीं होती? नहीं, किसी भी राग में धमार तो हो सकता है। हाँ। लेकिन होली गीत जो होते हैं जी, हाँ। उसके खास खास राग हैं, जैसे हाँ। अभी पीलू है, काफी है, हाँ। और खमाज में भी होता है जी। अब हम शोभा जी से एक डट के होरी सुनेंगे और बाद में पंडित जी से एक दूसरा धमार सुनाने की मैं विनती करूंगा। डटके डट के डो पे
प्रसिद्ध चीज है। खिलत नंद कुमार ब्रिज की गलियन में अबीर गुलाल के बादल छाए रस की परत फवार। पंडित जी जी, ये जितनी चीजें हैं धमार की होरी की करीब करीब इसी प्रकार का वर्णन सुनने को मिलता है जी। कोई इसकी खास वजह है? जैसे कि मैंने बताया इसका रंगों से संबंध है और होरी त्योहार भी रंगों से ही जुड़ा जाता है, इसीलिए इसका खास जो रास जो कृष्ण लीला होती है ब्रिज के इलाके में ही हाँ। इसका खास होता है हाँ। इस वजह से कृष्ण लीला का ही उसमें वर्णन ज़्यादा है हाँ। चाहे वो होली गीत हो या धमार हो हाँ। दोनों में ही वही वर्णन मिलेगा। अच्छा, अभी पंडित जी
कुछ ख्याल भी ऐसे हैं जिनमें होली का वर्णन मिलता है? हाँ, बहुत से हैं। तो कोई एक जैसे नमूना है, एक नमूना देखिए, बसंत में है। पुजे सबके हुलसालीनो मनवा अत ही चाव बढ़िया मोरा जियरवा पिया संग खेलोरी। ऐसी बसंत ऋतु छाई हुई है कि सबके मन में उल्लास आनंद फैल गया है, और ऐसे में मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि पिया संग खेलोरी। कितनी सुंदर बंदिश है शुभा जी। अंत में हमारी तरफ से, श्रोताओं की तरफ से और अपने दर्शक की तरफ से, आप भी कोई ऐसी अलग रंग की होली सुनाइए जिसमें ब्रिज का वर्णन हो। अभी ब्रिज की चर्चा हुई थी तो Yeah.
सूरज में होली है रसिया।